हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि आपकी वेबसाइट का जो परमा लिंक होता है या फिर यूआरएल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होना चाहिए। अगर आप www यूज कर रहे हैं तो उसको नॉन www में कैसे कन्वर्ट करना है या फिर वाइस वर्सा कैसे करना है, तो किस तरीके से आपका परमा लिंक का स्ट्रक्चर होना चाहिए जो टेक्निकल एसईओ की पर्सपेक्टिव से परफेक्ट होगा, कैसे उसको चेंजेस करना है, ये सारी चीजें टेक्निकल एसईओ के पर्सपेक्टिव से आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपकी वेबसाइट के अंदर पब्लिश होने वाला एवरी सिंगल पेज गूगल के लिए एक न्यू वेबसाइट की तरह है। तो आप मेक श्योर करेंगे कि उसकी आइडेंटिटी होती है उसकी यूआरएल से, तो यूआरएल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कैसे इसको चेंजेस करना है, कब आपको चेंज करना है, कौन से टूल की हेल्प से करना है, सारी चीजें डिटेल में लाइव डेस्कटॉप की स्क्रीन पे मैं बताऊंगा। सो इसी तरीके से गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सीखना चाहते हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड ऐसी अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ओपिनियन देना मत भूलिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं डेस्कटॉप सेशन पर, शुरुआत करते हैं क्या होता है। ओके गाइस, तो सबसे पहले चीज गाइस, अभी रिसेंटली मैंने जीरो क्लिक सर्च का पोस्ट जो है हमारी साइट पे अपलोड कर दिया डिटेल एनालिसिस के साथ में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में और इसका लिंक जो है पोस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए गाइस, बात करते हैं आपका परमालिंक का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं bloggingus.com की जो वेबसाइट है वहां पे मैं www यूज नहीं करता हूं, जबकि soundprofiler.com की वेबसाइट है जहां पे www यूज करता हूं। इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है गाइस, क्योंकि ये जो साइट बनाई गई थी बहुत पहले बनाई गई थी, तब मैं नया था तो मैंने सोचा कि जैसा लोग स्टैंडर्ड परमालिंक का स्ट्रक्चर यूज करते हैं मैं भी वैसा ही करूंगा, और मैंने इसको वैसा ही रहने दिया। अगर आज मैं इसको नॉन www में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, मेरी वेबसाइट की दो दो URL होगी, नए जितने भी पोस्ट पब्लिश होंगे उनकी URL अलग से होगी और www की अलग से URL होगी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए गाइस, गूगल के लिए एवरी सिंगल URL एक यूनिक कॉन्टेंट है। तो आपका URL का स्ट्रक्चर ये है जो आपको हेल्प करता है कहीं जाकर के रैंक करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो मैं समझता हूं गाइस कि आपको आपके यूआरएल स्ट्रक्चर में www को हटा देना चाहिए, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंस नहीं है? क्योंकि जब आप गूगल में जाके किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करते हो तो आप देख सकते हैं यहां पर एक सर्टेन लिमिटेशन है, और वो है 60-70 कैरेक्टर। उससे ज्यादा कैरेक्टर होंगे तो गूगल ट्रिम कर देगा। मतलब कि अगर आपका कोई कीवर्ड है जो अगर आप टाइटल में यूज करना चाहते हैं तो वो कीवर्ड अगर 70 कैरेक्टर से ज्यादा होगा तो दिखाई नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंप्रेशन आएगा, यूजर को डायरेक्टली नहीं दिखेगा, तो हो सकता है कि आपके नंबर ऑफ क्लिक्स कम हो सकते हैं। तो उसका अपन यूजेस कैसे करेंगे कि www को हटा देते हैं, जिससे हमें 3 कैरेक्टर एक्स्ट्रा हमारा कीवर्ड ऐड करके यूजर को दिखाने का मौका मिलेगा, राइट? तो ये तो इसका पहला रीजन है। दूसरा रीजन गाइस, अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो .html यूज करते हैं, कुछ नहीं करते। मेरे केस के अंदर मैंने कर रखा है, लेकिन अभी जो नया ब्लॉग मैंने बनाया वहां पे HTML को भी हटा दिया। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेक श्योर करें कि आप www को ना यूज करें अगर आपका ब्लॉग नया है, एग्जिस्टिंग ब्लॉग में चेंजेस ना करें, अदरवाइज आपके मल्टीपल URL क्रिएट हो जाएंगे। ओके, तो ये तो बात होगी कि किस तरीके से करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जो आपका परमालिंक का स्ट्रक्चर अगर आप ब्लॉगर में जाके देखते हो तो वहां पे ईयर और मंथ आता है, राइट? तो जब आप पहले वर्डप्रेस में मूव करते हैं ये, तो यहां पे भी ऐसा ही कोई डिफॉल्ट ऐसा परमालिंक का स्ट्रक्चर आता है। तो इसको कैसे चेंज करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपके वर्डप्रेस की जो बैकएंड है एडमिन डैशबोर्ड के पैनल में जाना है, सेटिंग के अंदर जाना है, और सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा परमालिंक्स, परमालिंक्स में आना है और यहां पर वो डिफॉल्ट प्लेन पे रहेगा, तो आपको इसको चेंज कर देना है कस्टम स्ट्रक्चर, और हो सके तो इसमें से कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट जो आप यूज करेंगे सिर्फ पोस्ट नेम .html, और .html आप नहीं भी यूज करेंगे दैट इज फाइन, सिंपली आप /%postname/ दैट्स ऑल। जैसे अगर आप यूज करेंगे तो आपकी साइट का जो परमा लिंक है, जैसे कि अगर आप बैकलिंकों का कोई भी पोस्ट ओपन करके देखेंगे तो ये .html यूज नहीं करता और ना ही www यूज करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि आपका URL का जो स्ट्रक्चर है वो छोटा दिखेगा और लोगों की विजिबिलिटी में आएगा जब सर्च इंजन में रहेगा, और ओवर द टाइम आप मल्टीपल कीवर्ड्स की मोर रेंज ऑफ कैरेक्टर आप ऐड कर पाएंगे। तो ये इसका प्राइमरी रीजन है। अभी बात करते हैं इसको कैसे चेंज करना है। तो आपने ऑब्वियसली देखा सबसे पहला चेंजेस तो आप यहां से कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या चेंज होगा, इससे आपका www हटेगा नहीं, ये आपका डोमेन स्टैटिक है, इसको कभी आप चेंज नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ पीछे का जो स्लग है उस पार्ट को चेंज कर पाओगे। तो नंबर वन स्टेप हो गया जो हर किसी को करना है, चाहे आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस में मूव हो रहे हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर डेफिनेटली चेंज करना है। लेकिन अगर आपका प्लान है वापस ब्लॉगर में मूव होने का तो इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये करने से आपकी साइट पे नए जितने भी URL होंगे उसमें कहीं भी ईयर और मंथ नहीं आएगा, लेकिन जब ब्लॉगर में मूव करेंगे तो वहां पे ईयर और मंथ रहता है, राइट? तो आपको चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज तो ये होगी। अब दूसरी बात की भाई www को भी हमें हटाना, कैसे हटा है, इसका क्या प्रोसेस है। तो ये लिटिल बिट टेक्निकल पार्ट था जिसको मैंने सॉल्व किया हमारे ब्लॉगिंग फ्री SEO टूल की हेल्प से। तो आज मैं उस टूल की इंपॉर्टेंस आपको फिर से समझाऊंगा,
और थैंक यू वेरी मच गाइस, आप में से बहुत सारे लोग फीडबैक दे रहे हैं, हजारों लोग एवरीडे टूल को यूज कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। और आप तरह आप आई होप कि ये वैल्यू आपकी एसईओ जर्नी के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा होगा। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको ब्लॉगिंग हाउस पे आना है, एसईओ टूल पे सेलेक्ट करना है। एसईओ टूल्स के अंदर जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर टेक्निकल एसईओ के अंदर एक टूल है एसटीएक्सएस रीडायरेक्ट जनरेटर। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस है, जहां पे सबसे पहला ऑप्शन है क्या आपकी वेबसाइट में www डोमेन को आप नॉन www में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब कि https www.blogginghost। जब भी यूजर ऐसा कुछ टाइप करेगा, जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए मैं अभी गूगल में टाइप करता हूं https और www.blogginghost.com, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे नॉन www पे लेके जाएगा। जैसे मैंने इसको सर्च किया, अभी www थोड़ी देर में हट जाएगा और आप देख सकते हैं इसने डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर दिया नॉन www पे। तो अगर ऐसा आप रीडायरेक्शन चाहते हैं या फिर आपकी परमालिंक के स्ट्रक्चर के अंदर www दिखे ही नहीं, तो आपको क्या करना होगा गाइस, इस टूल को जाना होगा। ये जो टूल अभी मैंने जो आपको सजेस्ट किया, आपको इस टूल में आना होगा, सेलेक्ट करना होगा www को कन्वर्ट कर दो नॉन www में। और कौन सा डोमेन, तो आपको सिर्फ आपका डोमेन कुछ नहीं टाइप करना, मान लीजिए कि है soundproofidea.com, तो ये मेरा डोमेन है। इस पर्टिकुलर डोमेन में जब भी कोई यूजर www करके टाइप करे तो ऑटोमेटिकली नॉन www पे चला जाना चाहिए और मेरा परमालिंक के स्ट्रक्चर में भी कभी भी www दिखना नहीं चाहिए। सिंपली सेलेक्ट करने के बाद आपको get.htaccess कोड मिलेगा। ये कोड अगर आप मैन्युअली लिखने जाते तो आपको बहुत परेशानी होती, इसलिए टूल डेवलप किया गया है। इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद में आपको आपका जो वर्डप्रेस जो भी आपका होस्टिंग अकाउंट है, उस होस्टिंग अकाउंट को लॉगिन करना है। जैसे मेरे केस के अंदर मेरे पास होस्टिंगर है, तो ऑब्वियसली तभी गाइस मैंने आपको हर बार बोला है, मैं आपको वही चीजें सजेस्ट करता हूं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। आई बीन यूजिंग होस्टिंगर फॉर अ लॉन्ग टाइम और इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ ओके गाइस, एंड आई होप कि जो जो लोग परचेस कर रहे हैं आई एम शेयरिंग द वेलकम ऑफर एज वेल, सो आप सभी के पास एडवांटेज पहुंच गए होंगे। अगर नहीं पहुंचे तो मुझे ईमेल कीजिए, आफ्टर परचेस आई एम सेंडिंग यू ऑल द बोनसेस। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं गाइस, आपको सिंपली आना है आपके होस्टिंग के बैकएंड के अंदर, यहां पर फाइल मैनेजर के अंदर जाना है। जैसे आप फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे आपको यहां पर डोमेन का सेक्शन दिखाई देगा, उसके अंदर आपको आपका डोमेन मिलेगा। उस डोमेन के अंदर आपको पब्लिक _html के नाम से एक फाइल रहेगी, इस फाइल के अंदर आपको ढूंढना है .htaccess। तो ये वो फाइल है जिसको आपको फाइंड आउट करना है, नो मैटर कि आप कोई से भी होस्टिंग यूज कर रहे हैं, तो उसमें से फाइल रहेगी .htaccess, इनको इग्नोर करना है, इस फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में जो कोड हमने यहाँ पे क्रिएट किया था हमारे SEO टूल के अंदर, इस कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पे आके, यहाँ पे जो डिटेल दिख रही है तो यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। सिंपली पेस्ट करने के बाद आपको सेव करना है, दैट्स ऑल। एक मिनट के बाद में आप जाके देखेंगे तो अभी soundproofidea.com की साइड है वो चालू हो जाएगी, www हट जाएगा और सीधा soundproofidea.com के नाम से आएगा, कोई www दिखाई नहीं देगा। मेरा ऑलरेडी ब्लॉग के बहुत सारे URL ऑलरेडी पोस्टेड है, तो इसलिए मैं चेंजेस नहीं करने वाला हूं, लेकिन जो भी बिगिनर है इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। मेरे केस में नहीं कर रहा हूं, मैं इसको क्लोज कर दिया। तो आई होप गाइस अभी आपको समझ में आ गया आपके परमालिंक का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ये टेक्निकल एसईओ के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेक श्योर करके रखें कि आप आपके नॉन www वर्जन को या फिर www वर्जन को आप चेंज करके रखें, और दोनों के दोनों एक ही जगह पे रीडायरेक्ट होने चाहिए, या तो www वर्जन हो या फिर नॉन www। अगर आपकी साइट पे अगर आप जाके देख रहे हैं, आज के टाइम पे आपको दो वर्जन दिखाई दे रहे हैं, जैसे blogginghost.com और www.blogginghost.com, तो मेक श्योर करें आप इस टूल की हेल्प से जो कोड जनरेट करते हैं उसको पेस्ट करके आपकी साइट का सिर्फ एक URL होना चाहिए। मल्टीपल URL, इवन www ऐड करने पर गूगल उसको डिफरेंट समझेगा और आपकी SEO की रैंकिंग डाउन हो सकती है। तो आई होप गाइस कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, लिटिल बिट टेक्निकल था, बट आई डोंट थिंक कि यहां पर कुछ ज्यादा हसल की बात है। अगर आपको ये SEO टूल्स अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर उसको यूज कीजिए, फीडबैक देते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।